राम राम यूट्यूब फैमिली। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 6:30 बजे से कर रही हूँ। और गाइज अभी मैंने ना चाय रखी है बनने के लिए, तो बहन जी ने मुझे बोला कि इसमें ना थोड़े से तुलसी के पत्ते भी डाल दे, तो मैं तुलसी के पत्ते लेने आई थी। और मैंने ना सब्जी रख दी है बनने के लिए, आलू शिमला मिर्च की। और अब बस मैंने रोटियां बनानी है, तो सोच रही हूँ कि पहले चाय पी लेती हूँ, अगर टाइम बचेगा तो रोटियां बना लूँगी, नहीं तो फिर नहाने चली जाऊँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी रोटियां। ये लो बहन जी, धो दो इसको। और बहन जी की भी सब्जी बन रही है, आज बन गई घी की। और बहन जी ने आज ना कुकर में घी की सब्जी बनाई, और इस साइड हमारी चाय बन रही है। क्या थोड़े पाई दीजिए इतने पाने। और अभी हम चाय पियेंगे जी। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है अभी, अभी ठीक है। रात को बोल रहे थे मुझे घबराहट हो रही है और नींद भी नहीं आ रही, और मुझे भी उठा रहे थे बार बार। अम्मा जी ने ना कल गर्म तेल से मसाज की मेरे बालों में, बन गया। और अभी मैं और बहन जी ना गप्पे मारते मारते चाय पियेंगे, फिर उसके बाद अगर टाइम ऐसा लगेगा कि खाना बनाने का टाइम हो गया तो रोटियां बना देंगे, उसके बाद फिर नहाने के लिए हमें मना किया है। नहीं, मैंने गर्म रख दिया पानी करने के लिए। तो आप बिल्कुल ठीक हो? नहीं हूँ ठीक। हाँ तो नहा लो। नहीं नहाना, और मुझे तो मना किया है, नहीं तो अम्मा जी गुस्सा करेंगे मुझ पर कि आप नहाए। कितने दिन हुए नहाए हुए आपको? मैं इतने दिन रहती नहीं हूँ, मैं बीच में नहा भी बोल बताऊंगी। दूसरा दिन है, दूसरा दिन है मेरे को, हो गए दो दिन, आज तीसरा दिन, आज नहाना ही पड़ेगा। आज का दिन नहीं नहाऊंगी, फिर कल से नहाऊंगी। चलो तो बनाओ आप जल्दी चाय। मेरी आलू शिमला मिर्च की सब्जी। हो गई सारी, हो गई। लिबाम लगाना, मैं लिपस्टिक लगानी सीधी। थोड़ा सा लगाओ, फट जाए ये, नहीं तो थोड़े लगाना बस, काफी है इतना। ये भी लगाओ लिपस्टिक भी। काले हो आ रहे हो आप यहाँ पे? बहन जी बीमार इंसान को ऐसे नहीं दिखाते हैं। ये कौन सा तरीका है बहन जी? तो YouTube फैमिली अभी टाइम 9 बज गए ना, और मैं ना बहन जी को बोलने आई थी कि चलो मैंने चाय बना ली है, आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो और दही मत खाना, आ जाओ आप चाय पीना। तो बहन जी ने बोला मैं साथ में ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मासी जी की तबीयत भी ख़राब हो गई है, वो भी बीमार हो गए हैं ना, और उनसे खाना नहीं खाया जा रहा है, तो वो अभी नहीं करेंगे ब्रेकफास्ट। तो मैंने सोचा, मैंने बहन जी को बोला कि आप मेरे साथ ही कर लो। और मम्मी जी डैडी जी ना आज उहल गए सेहरा लाने, क्योंकि हम मामा जी मामा वाले लगे या कुछ, तो जो दूल्हे के लिए सामान लगता है ना उसको लाने के लिए गए। और मैंने कब से खाना प्लेट में लगा कर रखा है, लेकिन बहन जी आ ही नहीं रहे। अब मुझे तो लग पड़े ब्रेकफास्ट करने, मैं कर लेती हूँ आज। अंजी तो भाई ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया मेरा ना, और अभी ना 15-20 मिनट हो गए मुझे खाना खाए हुए, तो दवाई खा लेती हूँ अब। एक ये दवाई, एक ये है, और एक ये, चार गोलियाँ हैं खाने के लिए। और मुझे तो ना दवाई खाना ज़रा भी पसंद नहीं है, मुझे इसका टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता है दवाई का। दवाई खा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर भैंस को अंदर बांधने भी जाना है, क्योंकि मम्मी जी घर पर नहीं है ना, और उसको धूप आ जाती है तो वो भी बांधनी है अंदर। तो पहले दवाई खा लेती हूँ मैं। अभी मुझे दवाई खानी पड़ रही है, नहीं तो ना मैं दवाई नहीं खाती हूँ, मैं ना दवाई फेंक देती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता है। पर अभी नहीं करती हूँ मैं ऐसा, पहले करती थी शादी से पहले।
मुझे जबरदस्ती दवाई खिलाती हैं सभी। गिलास भी लेके नहीं आई मैं, चलो खा लेती हूँ फिर मिलेंगे आपसे। और बहन जी तो स्टिचिंग करने बैठ गई। तो यूट्यूब फैमिली अभी टाइम 11 बज गए और मैंने भैंस को बांध दिया था अंदर थोड़ी देर पहले और रेस्ट हो गई मेरी ना, और अब चलते हैं ऊपर अपने काम में लग जाते हैं स्टिचिंग के काम में। और ये गिलहरियाँ ना सारी मक्की को ले जा रही है और खा रही है इसको, दाने भी इधर उधर फेंक दे रही है। और ये जो मम्मी का सूट कट किया था ना वो कुर्ती हो गई है का स्टिच ना, और सलवार भी वैसे हो गई है, बस इसके पोंछ रहे हैं बनाने के लिए। तो ये बना लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद पूरे 12 बजे लगूँगी मैं लंच बनाने। वैसे दाल है बनी हुई, बस कढ़ी बनानी है खोरू, जो कि कोल्ड के लिए अच्छा होता है, मैं आपको दिखाऊँगी कैसे बनता है वो। तो गाइस मासी जी भी आ गए शॉपिंग करके, और ये ना जो हमारे बुआ जी के बेटे हैं उनके लिए लाई ये लिंग चौड़ी, बोलना है दो लिंग चौड़े नहीं बोलते तो क्या बोलना है, लिंग चौड़े बोलना है। जब जोगी बनता है ना दूल्हा तो पहनते हैं इसको। अम्मा जी भी देख रहे हैं, बाद में दिखाएंगे, बाद में ठीक है। तो गाइज हम ना आधा सामान आपको बाद में दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना अंधेरा है और लाइटिंग भी अच्छे से नहीं है, तो जब लाइटिंग अच्छी होगी बाहर मतलब तो शाम के टाइम तब दिखाएंगे आपको। हाँ गाइस तो मासी जी ना ऊल के फेमस समोसे लाए, पर बहन जी नहीं खा सकते क्योंकि आपने मंगवाए हैं। नहीं नहीं मैं खा सकती हूँ, मुझे खांसी नहीं, आप नहीं खा सकते ठीक है। हाँ और जब बहन जी खाने लगेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। और ये ग्रीन चटनी अम्मा जी तू हाँ तो खाने है ना, अम्मा जी बुखार हाँ करा खाने अम्मा था हाँ की अम्मा खाने अम्मा अंजना नहीं खाने। यूट्यूब फैमिली शाम के 4:30 हो गए और मैंने इस वाली कुर्ती को, ये जो मम्मी जी का सूट मैं सिल रही थी ना, इसको तुरपाई करने बैठी हूँ बहन जी के यहाँ, और बहन जी ने सूट सिल दिया है। और गाइस अभी ना हमारे घर हमारे दोनों ननद आए हैं और हमारी ना चाची सास भी आए हैं, पर ना हमारी चाची जो हैं वो लोग में आना नहीं चाहते, इसलिए ना वो बाहर गए अभी, तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ बाहर है, यहाँ से भी दिखेगी हमें दिख रहे हैं पर आपको नहीं दिखेंगे। तो दीदी हो तो बोल दो, और बहन जी आप खट खट बंद करो। रोज मतलब दुपट्टा ठंडा पाई ज्यादा खिलार पारा तुझे छठी ना करनी। तो गाइज मासी जी ना आज सुबह ऊल गई थी, तो वहाँ से ना सेहरा लेकर आए दूल्हे के लिए, जो सामान देना है ना हमने वो लेकर आए। हाँ जो मामा जी की तरफ से देते हैं। हाँ। तो चलो दिखाओ बहन जी, खोलो आप यहाँ रख दो फोन निकाल। तो गाइज ये है दूल्हे के लिए सेहरा, सेहरा जो मामा जी वाले देते हैं, और इसमें ना लाइट भी जलती है, लाइट जला के दिखाती हूँ कहीं मैं करंट से फंस ना जाऊँ। ये जिगदे जिगदे नहीं खराब हो जाने इस
अंधेरे में चमकेगा, ये ज्यादा अभी नहीं चमक रहा है, चमक रहा है अभी। और दूसरी चीज ये है जिसमें ना जो दूल्हा होता है वो जोगी की रस्म जो होती है, जोगी बनता है तो उस टाइम पहनते हैं इसको। ये भी मामा जी वाले ही देते हैं, झोली है वो वाले, ये झोली है ऐसे पकड़नी हाथ में। और इसमें ना चावल देते हैं, तीन बार चावल देने भाभियों ने ना, और लास्ट में ना पैसे और चावल देने, फिर उसके बाद ना सारे रहे भाभी मम्मी मासी सब दे पजामा छोटा सा जितने भी दे, मतलब अपने ये हो ना बहनी सब दे, सभी देखते हैं मिलके। और लास्ट में ना भाभी जो होती है ना वो ना देवर से ये झोली जो है वो खींचती है, और जे अगर दूल्हा छोड़ देगा ना तो दूल्हा हार जाएगा, अगर अगर भाभी छोड़ देगी तो भाभी हार जाएगी। और ये कमीज चौड़ा बोलते हैं लिंग चौड़ा जोगी का। और ये सिर में बांधते हैं डट्टू ऐसे ये तो बहुत बड़ा है, टोपी भी हो सकती है। और कपड़े वगैरह भी ना मामा वाले देते हैं, कपड़े जूते पैंट कोट भी। लेकिन ना उसके लिए ना फिर उन भाई जी को बोल दिए कि आप खुद अपनी पसंद से ले लेना हमारी तरफ से। तो और ये छोटा मोटा सामान ही था हमें लेने के लिए बस, और वो खुद लेंगे अपनी पसंद का। हाँ ये ऐसे ही मेकअप किट ले लिए मम्मी जी ने, पता नहीं क्यों मेकअप का सामान ढालने के लिए। मासी जी ना मेकअप बहुत करते हैं ना, इसलिए उनका मेकअप का सामान भी बहुत ज़्यादा है। मेकअप कर देने रखे हैं लगा देता है। और बस यही था सामान। यूट्यूब फैमिली अभी मैं और बहन जी सूट की कटिंग करने के लिए बैठ गए, क्योंकि अभी ना हमारे पास काफ़ी टाइम है, आधा पौना घंटा है खाना बनाने के लिए। और बहन जी को आज सब्जी नहीं है बनाने के लिए, इसलिए बहन जी ने बोला मुझे रोटियाँ बनाने के लिए, मैं तब तक सूट की कटिंग कर लेती हूँ। और मेरी भी सब्जी लगभग बनी गई, मम्मी जी लगे बनाने, और अब बस मुझे भी रोटियाँ ये बनाने के लिए। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी ना इस वाले सूट की कटिंग कर लेती हूँ, इस वाले और यूट्यूबर वालों का ही सूट, बनारसी बोलते हैं इसको, बनारसी में ही आता है ये, सिंपल सा है ये सूट। और बहन जी का ये वाला जो हमें बड़ा पसंद आया था। तो यूट्यूब फैमिली अभी टाइम 6:30 से ऊपर हो गया, और सूट हमने कट करके रख दिया यहाँ पर, अक्सर कोई दूसरा नहीं सी पीछे मजी भी बैठे हैं यहाँ पर बहन जी और मासी जी। तो भाई हम सोच रहे हैं कि इस ब्लॉग का ना यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा ना तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक बाय। और बहन जी तो काम कर रहे हैं।